नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल सतरंगी जीवन में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल के पकोड़े, जो राजस्थान में बहुत फेमस हैं और इस सर्दी के मौसम में बहुत बनाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। चलिए इसे आज बनाते हैं। मूंग दाल की पकौड़ी बनाने के लिए मैंने ये छिलके वाली मूंग की दाल ली है और इसमें थोड़ी सी चौले की दाल डाली है। इसको मैंने 5-6 घंटे के लिए भिगो दिया था गर्म पानी डालकर। अब इसको अच्छे से वॉश करेंगे और इसके ये छिलके हटाएंगे, फिर उसके बाद इसको पीसेंगे। अब इसको अच्छे से हम ऐसे हाथों से रब करेंगे ताकि इसके ये छिलके उतर जाए। ये दाल को मैंने अच्छे से धो लिया है, इसके लगभग सारे छिलके उतर चुके हैं। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करने से पहले हम इसमें डालेंगे अदरक का टुकड़ा, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन। लहसुन चाहे तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन लहसुन से क्या है, इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा धनिया। चलिए अब इसे ग्राइंड करते हैं। ये देखिए, दाल को मैंने पीस लिया है। ये मैंने इसको दरदरा ही पीसा है, आप चाहे तो इसे बारीक भी पीस सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें मसाले। तो सबसे पहले ये लाल मिर्च का पाउडर, यह आप टेस्ट और क्वांटिटी के अनुसार लीजिएगा। थोड़ा सा हींग का पाउडर, हींग डालने से एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है। थोड़ा सा सौंफ, ये लहसुन के पत्ते हैं, इनको मैंने बारीक काट लिया है। ये प्याज के पत्ते हैं, इनको भी बारीक काट कर इसमें डाल दीजिएगा। थोड़ा सा गरम मसाला। अब हम इसे मिक्स करेंगे। नमक को हमें तब डालना है जब हम पकौड़ी बनाने लगें। मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता। हमने दाल जब पीसी थी तब भी धनिया डाला था और अब भी हम धनिया डालेंगे। इसको फिर से मिक्स किया। अब ऐड करेंगे इसमें नमक, मिक्स करेंगे अच्छे से। चलिए अब पकौड़ी बनाते हैं। ये तेल गर्म कर लिया है मैंने, अब इसमें पकौड़ी वाला बैटर डालेंगे। अब इसे किसी चम्मच की सहायता से यूं अलग करेंगे हम और दोनों साइड से इसे सेकेंगे। पकौड़ी को कुरकुरा होने तक फ्राई करेंगे। ये पकौड़ी हमारी फ्राई हो चुकी है, अब इन्हें हम एक बर्तन में निकालेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी। थैंक यू।